अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुवरे श्यामायुगल को, पल पल करूं प्रणाम पियाजी को, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लिया हाथ ईसा बयाही वास्ते, हक रूह पर हासी करत, हक हादी रूहे रूह अल्लाह, होशी हासी इन खिलवत, होशी हासी इन खिलवत। मोतिन के मुह पर, अक्षरा देव धामधनी ने हमें एक खुलासा की वाणी दी है। इस खुलासा ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा है, श्री किताब खुलासा बानी सूरत हकी फजर की। ये फजर की वाणी है। फजर किसको कहते हैं? उजाला, जिसमें ज्ञान से उजाला हो गया। इस वाणी के अवतरण से पहले अंधकार था, कड़वा सच है। ब्रज लीला लीला रास माए हम खेले जान के जार, जागनी लीला जाग पहचान पीसो जान बिल से करतार। ब्रज में भी अक्षरातीत आए, रास में भी अक्षरातीत रहे, जागनी में भी अक्षरातीत, दो तनों में लीला की, श्री देवचंद जी के तन में और श्री महाराज के तन में। लेकिन खुलासा की वाणी को फजर की वाणी क्यों कहा गया? खुलासा में महामती जी की आत्मा कहती है, सदी गारी बीच में मेरी बातून खुली नजर। खुलासा सनंद या वेदक में कई जगह ये प्रसंग आती है, आता है कि हजार महीने से वो बेहतर रात्रि है जिसमें अल्लाह परवरदिगार की मेहर बरसती है। हजार महीने में कितने वर्ष होते हैं? 83 वर्ष और 4 महीने, यानी इसको 84 साल से लिया जाता है। 1638 में श्यामा जी की आत्मा के साथ परमधाम की सभी आत्माएं आती हैं। 1638 में 84 जोड़ेंगे तो 1722 का समय आता है। संबत 1722 से दीप पधारे श्रीराज, 1722 के पश्चात उजाला होता है वास्तव में। इसके पहले कहीं ना कहीं कुछ निद्रा का आवरण था, क्योंकि आप देखेंगे लैलतुल कद्र के 3 तकरार कहे जाते हैं, 3 भाग है इस माया के खेल में आने का। पहला भाग है ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा जागनी के ब्रह्मांड का। जागनी के ब्रह्मांड में भी 1722 से पहले काफी कुछ अंधेरा था। आप देखिए सतगुरु धन श्री देवचंद जी के अंदर बैठकर राज्य लीला कर रहे हैं, लेकिन उस दिन को अभी वहदत की निस्बत, वहदत की मार्फत, निस्बत की मार्फत, इसकी मार्फत का कुछ पता नहीं। तभी सब सुंदर सास से सिफारिश करवाते हैं कि जब राज्य प्रकट हो, क्योंकि आड़िका लीला होती है, राज्य आवेश स्वरूप से लीला कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है, किसी को कुछ सम्मान दे रहा है, किसी को कुछ सम्मान दे रहा है, और सुंदर साथ बात भी करते हैं और स्वरूप अदृश्य हो जाता है। श्री देवचंद जी के तन से जो स्वरूप प्रकट हो रहा है, वो रूप लेता है ब्रज की लीलाओं का। ब्रज की लीला प्रकट हो जाती है, कभी रास की लीला प्रकट हो जाती है, यमुना जी का जल भी प्रकट हो जाता है, और सतगुरु धन श्री देवचंद जी ब्रज रास और परमधाम सारा वर्णन करते हैं।
ब्रज रास और धाम की शुद्ध धरती पर जागनी की सुधना है। क्योंकि जागनी कब होगी? जो लोग आखिर इलम न मुकैत तो लोग क्या करे खासमत, पहचान करनी हक की, पहचान करनी हक की जो गैब की, जो हक की मूल खिलवत। जब तक आखिरी इल्म, आखिरी इल्म का तात्पर्य क्या है? खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। जब तक परम धाम की ये चार किताबें अवतरित न हो जाए, जब तक हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि न बस जाए, तब तक हमें अपने को जागृत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। रास की वाणी उतरती है, प्रकाश की वाणी उतरती है, खट्टुति सब कुछ है, हर अक्षर राज्य का कहा हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं अंधेरा है। आवेश जाको में देखे पूरे, सो जोग माया की नींद हो। एक ही राज्य है, लीला अलग अलग रूपों में हो रही है, और उस स्वरूप को न पहचानने के कारण सुंदर साथ में विवाद खड़ा रहता है। साहेब के संसार में आए तीन स्वरूप, सो कुरान यो कहवी सुंदर रूपनूप। एक ब्रिज बाल को, दूजा राज किशोर, तीसरे बुढ़ापन में भय भोर। राजी ब्रज में आते हैं, 11 साल 52 दिन तक लीला करते हैं। रास में जाते हैं, किशोर अवस्था की लीला है। ब्रज की जो लीला हो रही है उसमें नीत है, पूरी नीत को जो सुपन काल माया नाम धरायते। न अक्षर की आत्मा को पता है कि मैं कौन हूं, न सखियों को पता है कि हम कौन है। रास में क्या होता है? कछुक नीत कछु जागृत भे, जोग माया के श्रृंगार जो कहे। आधी नींद है आधी जागृति है, यानी सखियों को यह तो पता लग गया कि जिसके साथ हमारी लीला हो रही है यह हमारे धाम धनी है, लेकिन यह नहीं पता कि हमारा मूल घर कहाँ है। पुनः जागनी का ब्रह्मांड शुरू होता है। इस जागनी में भी राज्य श्री देवचंद जी के तन में बैठकर लीला कर रहे हैं, बातें हो रही है परम धाम की, परम धाम का ज्ञान भी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अंधेरा है। अंधेरा इसलिए क्योंकि जब तक परम धाम का श्रृंगार वर्णन न हो, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा वर्णित न हो। ऐसा नहीं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में चितवनी नहीं करते थे। मृतक में वर्णन आता है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी प्रतिदिन सुंदर साथ को युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करके सुनाते हैं। परिक्रमा में भी ये प्रसंग आता है कि यहाँ तक मैंने जो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखारविंद से सुना था वह मैंने कहा है, इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जागनी की लीला के बारे में यह कहा जाता है कि 1722 के पश्चात सदी गारी बीच में मेरी बातून खुली नजर, क्या महामती जी के ऊपर भी आवरण था? कहीं ना कहीं कड़वा सच है। अभी आपने सुना इन मोतिन के मुंह ऊपर कुलफ लिखा माहे फुरमान, कुफल है शुद्ध सब, फरामोशी है। परम धाम में चाहे श्यामा जी हो चाहे इंद्रावती हो, सबके ऊपर फरामोशी है। जागृत कौन है? केवल एक राज्य। खिलवत के प्रारंभिक प्रकरण की चौपाई इसी से शुरू होती है कि मैं राज्य आपके सामने बैठी हूं, आपको देख नहीं पा रही हूं, आपसे बातें नहीं कर पा रही हूं, मेरी आंखें तो खुली हैं लेकिन आप नहीं दिख रहे हो, ये माया का संसार दिख रहा है। जागनी ब्रह्मांड में हमें यह शोभा दी गई है कि यहीं से बैठे बैठे हम अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखें, 25 पक्षों को देखें, अपनी आत्मा के स्वरूप को देखें। परात्मा वहां बैठी है लेकिन अपनी आत्मा के, अपनी परात्मा के स्वरूप को वो देख नहीं रही है। उसकी नजर जीव के तन पर बैठी हुई है और वो अपने जीव के तन को ही अपना तन मान करके बैठी हुई है, और इसी झमेले में हम सारे सुंदर साध्वी कहीं ना कहीं भ्रम के शिकार हैं। ब्रज में तो परम धाम का कोई ज्ञान नहीं था, रास में इतना बता दिया था कि तुम्हारा मूल घर कहीं और है, प्रारंभिक कहा था कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम हूं, तभी उथले वचन सुनने के पश्चात भी कोई यह स्वीकार नहीं किया कि हम पुनः कालमाया के ब्रह्मांड में जाएं। जागने के ब्रह्मांड में हमें ब्रज का भी पता है, रास का भी पता है, जागने का भी पता है, परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान हम रखते हैं, अष्टपहर की लीला हम जानते हैं, नख से सिख तक युगल स्वरूप के श्रृंगार की चौपाइयां हम रट्टा मारे होते हैं, फिर भी हम लड़ते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की पहचान नहीं है, हम शब्दों के जाल में उलझे रहते हैं। खुलासा का अर्थ क्या होता है? स्पष्टीकरण, क्या स्पष्ट करना है कि मैं कौन हूं। जब आप भागवत पढ़ेंगे, पुराण संहिता पढ़ेंगे, गर्ग संहिता पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं एक हिंदू हूं, अक्षरातीत हमारे लिए ब्रज में आए। प्रश्न यह होता है कि जिसको सच्चिदानंद परब्रह्म कहते हैं, क्या वो एक संसार के एक छोटे से संप्रदाय या वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? एक छोटी सी हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर न जाने 6 अरब की जनसंख्या है, 6 अरब की जनसंख्या में सैकड़ों मत मतांतर हैं, न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। जिस तरह से हमको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पंथ प्रिय होता है, वैसे दूसरे लोगों को भी अपना पंथ, अपनी भाषा, अपनी मान्यताएं प्रिय होती हैं। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। सूरज उगता है, हिंदू कहता है सूर्य उगा है, भास्कर उगा है, रवि उगा है, दिनकर उगा है। मुसलमान कहता है कि नहीं, आफ्ताब उगा है। क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, सन उगा है। तो क्या सूर्य सबको फटकार देगा, कहेगा कि न मैं आफ्ताब हूं, न सन हूं, मैं केवल सूर्य हूं? क्या ये उस किसी के साथ न्याय होगा? जब हम ब्रज और रास की लीलाओं में खोए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भावना बनी रहती है कि हम शुद्ध हिंदू हैं। यह सत्य है, सबको अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा और अपनी मान्यताओं के संरक्षण का अधिकार है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें हम ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाएं, जिसमें इन सबसे अलग हो जाएं और हमारी आत्मदृष्टि उस परम सत्य को देख रही हो। सच्चिदानंद परब्रह्म किसी मत, पंथ, वेशभूषा या वर्ग के सिद्धांतों से बंधा हुआ नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, उससे सब बंधे हुए हैं, वह किसी से बंधा हुआ नहीं। खुलासा का तात्पर्य ही है स्पष्ट करना, सत्य को उजागर करना, कि जो ब्रज में आकर 11 वर्ष 52 दिन की लीला करता है, वही रास में आता है, वही अक्षर की आत्मा अरब में आती है, वही अक्षरातीत देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर आवेश स्वरूप से लीला करते हैं, और वही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के रूप में मिहराज के तन, इंद्रावती की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करते हैं। उनको यह बताना है कि मैं हूं कौन। मैं रेहू नहीं, सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अप्रस आचार। न मैं सिद्ध हूं, न साधु हूं, न संत हूं, न भक्त हूं, न वैष्णव हूं। लेकिन आज हमने प्राणनाथ जी की परिभाषा क्या कर ली है? हम प्राणनाथ जी को संत कहने में, आचार्य कहने में, महापुरुष कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। हमने जो परिभाषाएं, अपनी मान्यताएं गढ़ी हैं, इस संसार को देख करके गढ़ी है, वाणी को देख करके नहीं। जो आत्म तत्व के धरातल पर खड़ा हो जाएगा, वह शरीर और संसार की परिधि से परे हो जाएगा। हमारे पास तो जागृत बुद्धि का ज्ञान है। यदि आप संसार के विद्वानों से पूछिए कि आप कौन हो, तो क्या उत्तर देंगे? क्या आप पंचभूत के शरीर हैं? क्या आप इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, जीव हैं? आप तो इन सबसे परे शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। ये इतना ऊंचा ज्ञान तो संसार के मनीषी दिया करते हैं, जिनके पास स्वप्न की बुद्धि के ग्रंथों का ज्ञान होता है। आपके पास परम धाम की वाणी है। लेकिन आज हमारा समाज किस बात पर लड़ रहा है? एक मंत्र के नाम पर लड़ रहा है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इस पर लड़ रहा है। प्राणनाथ जी की वाणी तो उजाला करने के लिए आई है, अंधकार में लड़ाने के लिए नहीं। जो वाणी का अनुकरण करेगा, वो सभी विवादों से परे हो जाएगा, क्योंकि खुलासा वाणी के प्रारंभ में लिख दिया है, ये वाणी सूरत हकी फजर की, फजर की वाणी है, उजाला हो गया है, अब कोई अंधेरा नहीं रह गया। 1722 के पश्चात पूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है। 1735 में श्री प्राणनाथ जी, आपको विदित है, हरिद्वार में रहते हैं। 36 में दिल्ली जाकर के औरंगजेब को संदेश दिया जाता है, और जब पन्ना जी पधारते हैं, उस समय 39 बीत रहा होता है और 40 का प्रारंभ होता है। इसके पहले मंदसौर, औरंगाबाद और रामनगर में श्री जी की जागनी लीला चली होती है। 1735 के पश्चात श्यामा जी के स्वामित्व, जिसको वाणी की भाषा में बादशाहत कहते हैं, प्रारंभ होते हैं। 1735 से
पूर्ण जागृति शुरू हो जाती है, यानी खिलवत का अवतरण होता है, परिक्रमा सागर श्रृंगार। और जिस समय खुलासा की वाणी अवतरित हुई उसमें महाराजा छत्रसाल जी को उसी समय प्रबोध मिला था वास्तव में। और ये खुलासा ग्रंथ ने महाराजा छत्रसाल जी के हृदय के अंधकार को दूर कर दिया, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी का संघर्ष किसके साथ था? औरंगजेब के साथ। छत्रसाल के अंदर शकुंडल की आत्मा है और औरंगजेब के अत्याचारों से महाराजा छत्रसाल जी आहत हैं, क्योंकि औरंगजेब ने किस तरह से उनके माता पिता को मौत की तरह ढकेला था। जिस सारंधा और छत्रसाल के कारण औरंगजेब सिंहासन पर बैठा था, औरंगजेब ने उस एहसान को भुला दिया था। ये पीड़ा महाराजा छत्रसाल के हृदय को कचोट रही है, फिर भी जब खुलासा का प्रकाश मिलता है तो महाराजा छत्रसाल जी अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। आप देखेंगे कि मंदसौर के पश्चात औरंगाबाद में श्री जी भाव सिंह के पास भी जाते हैं। भाव सिंह भक्ति भाव में नाचने भी लगता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अभी सर्वव्यापक नहीं हो सका है, इसलिए वो चमत्कार की बातें करता है और जबरन अनुभूति कराने के प्रयास में अपने शरीर को खो देता है। लेकिन महाराजा छत्रसाल परमधाम की आत्मा है, खुलासा की वाणी ने उनके हृदय के तार को झंकित कर दिया है कि मेरा तन मन सब कुछ प्राणनाथ के चरणों में समर्पित है। और परिणाम क्या होता है? ये इस खुलासा की वाणी जो हमारे लिए वर्तमान में उपलब्ध है, यदि हम खुलासा को अंगीकार कर लें तो मैं समझता हूँ हिंदू और मुस्लिम की परिधि से हम बाहर हो जाएंगे, हमारे ये झगड़े भी मिट जाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। सामान्य रूप से क्या कहा जाता है कि प्राणनाथ जी संत हो गए या शिष्य हैं देवचंद जी के, देवचंद जी भक्त किसके हो गए? श्री कृष्ण जी के, और श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो गए। हम जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं वही स्वरूप तो रास में जाता है, वही स्वरूप श्री देवचंद जी के अंदर जाता है और वही स्वरूप मिहराज के अंदर बैठ करके लीला करता है। हमने किसको पकड़ा? हमने शरीरों को पकड़ा, नाम को पकड़ा। व्याकरण के आधार पर हमने व्याख्या करनी शुरू कर दी कि सिकर्ष का अर्थ अक्षर अतीत होता है, तो व्याकरण के आधार पर तो देवचंद्र का भी अर्थ अक्षर अतीत सिद्ध हो सकता है, मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, मिहिर राज का भी अर्थ अक्षर अतीत सिद्ध हो सकता है। कोई भी अपने नाम से व्याकरण के आधार पर अपने नाम को अक्षरातीत सिद्ध कर लेगा तो अक्षरातीत थोड़े हो जाएगा। आवेश स्वरूप जहां लीला कर रहा है उस स्वरूप को अक्षरातीत का स्वरूप कहते हैं। ब्रिज वालों वालों पीसो ये बचन अपन को कहत है जे, तो ये बचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माए। ब्रज में कौन आया? प्राणनाथ। प्राणनाथ का तात्पर्य मिहराज नहीं, जो हमारी आत्मा का आधार है वो प्राणनाथ है। मांगा किया राधा बाई का पर ब्याही नहीं प्राणनाथ। रास में कौन लीला कर रहा है? प्राणनाथ। रास में लीला करने वाले के लिए कहा जाता है कंठ बहावटी फरे साथ एम रंगे श्री प्राणनाथ। रास में भी वही है और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी देवचंद जी के तन में वही लीला कर रहा है, मिहराज के तन में वही लीला कर रहा है। यदि ये भेष और भाषा की मानसिकता को हम स्वच्छता के धरातल पर कर लें, निष्पक्षता के धरातल पर कर लें, तो मैं समझता हूँ खुलासा वाणी में सामर्थ्य है कि सारे झगड़ों का निपटारा कर देगी, हमारे समाज की भी और सारे संसार में हिंदू और मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, आज सारा संसार जिस तरह से धर्म के नाम पर तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, शायद ये कदम रुक जाते यदि हमारे पास आज बौद्धिक शक्ति होती। हमारा ज्ञान निश्चित रूप से परमधाम का ज्ञान है, हमारे ज्ञान जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, लेकिन हमारा प्रस्तुतिकरण सामान्य स्तर से भी गया गुजरा है। हमारे पास ऐसी बौद्धिक शक्ति नहीं है जो गौतम बुद्ध के शिष्यों ने किया, जो ईसा मसीह के शिष्यों ने किया। संसार के कोने कोने में उन्होंने अपने आदर्श के संदेशों को पहुँचाया। हम प्राणनाथ जी की वाणी को, संदेश को कहाँ पहुँचाएंगे? हम तो प्राणनाथ जी को ही छोटा करने में सारी ऊर्जा लगा देते हैं कि प्राणनाथ जी देवचंद जी के शिष्य हैं, भक्त हैं, महान संत हैं, महापुरुष हैं, कवि हैं और महाराजा छत्रसाल जी के शिष्य हैं। न जाने इस चीज़ को सिद्ध करने में जितनी ऊर्जा लगाते हैं उतनी ऊर्जा उस एकीकरण में लगाएं,
कि राजमी ने खिलाए जिने प्रगट लीला करी है तिने धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावना है। जिसने राजमी लीला की वह इस जागरी लीला में प्राण राज्य के स्वरूप में है, लेकिन इस स्वरूप को जब इतनी बड़ी शोभा दे दी तो इसमें कोई क्या कर सकता है। अक्षरातीत को अपनी मायावी बुद्धि से कैसे कोई पहचान करा सकता है। ब्रज में क्या किसी ने अक्षरातीत को पहचाना? उत्तर मिलेगा नहीं। रास में पहचाना? देवचंद जी खुद अपने को नहीं पहचान कर पा रहे कि मैं हूं कौन वास्तव में। दर्शन देते हैं राज जी और कह देते हैं कि धर्यो नाम बाई सुंदर, देवचंद जी तुम परम धाम की श्यामा जी हो, तुम्हारे साथ परम धाम में रब्त हुआ था, परम धाम की आत्माओं को लेकर के तुम आई हो, तुम सबको मेरी पहचान दो तो तुम्हें परम धाम जाने को मिलेगा। देवचंद जी के तन में विराजमान हो जाते हैं, लीला हो रही है, फिर भी देवचंद जी नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी गरिमा क्या है। देवचंद जी के अंदर जो श्यामा जी की आत्मा है भरमोसी तो उन पर भी है, इसलिए ये 69 पातियां लिखिया धाम धनी, तब सैया हम भी लिखी लिखी पर नेक न दई खबर। सिफारिश कराने की क्या जरूरत है श्यामा जी को, लेकिन अभी आत्मा पर कहीं ना कहीं आवरण है। 1715 में इंद्रावती जी के धाम हृदय में 1712 में विराजमान हो गए होते हैं। वाणी भी राज प्रकाश खटुती की उतर जाती है, कलश की भी वाणी उतर जाती है, फिर भी कहीं न कहीं कुछ जागृति में कमी रह जाती है। तभी महामती जी की आत्मा कहती है, सदी गारी बीच में मेरी बातून खुली नजर। 1722 के पश्चात जागनी का उजाला बढ़ने लगता है, इसको कहते हैं फज्र, अब अंधेरा नहीं रह गया। लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार, यानी जागने के ब्रह्मांड में भी शुरुआत में अंधेरा ही रहा, इसलिए कलश में कहा है अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो तीन नीला चौथी घर की इन चारों को यामे भो। ब्रज रास और जागने की तीनों लीलाओं का सुख हमें इस ब्रह्मांड में मिल सकता है, लेकिन हमें अपनी आत्मा को जागृत करना होगा। आत्मा की जागृति कैसे होगी? जब हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप को देखें तब हमें मानना होगा कि अब हमारी आत्मा की जागनी हो गई है। इसमें भी कई स्तर है, किसी को चरण का चरण की झलक मिल जाए तो उसी में खुश हो गया कि मुझे सब कुछ मिल गया, किसी ने कभी मुखारविंद की झलक देख ली तो उसको भी लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, पाया है निश्चित, उसको जागृत माना जाएगा। लेकिन हकीकत की दृष्टि से जागृत उसको माना जाएगा पूर्ण रूप से जिसने एक एक अंग प्रत्यंग को देखा हो, प्रतिदिन देखता हो और जब भी अपने मन को संसार से अलग करे प्रतिदिन किसी भी समय देख सकता हो, वो हकीकत की दृष्टि से जागृत माना जाएगा। मार्फत की दृष्टि से जागृत कौन माना जाएगा? जिसने राज्य के दिल में इतनी डुबकी लगा ली हो कि स्वयं को भूल गया हो कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, तो वो एक रस हो गया, उसमें और धनी के स्वरूप में कोई भेद नहीं होगा रहेगा। लेकिन यह अवस्था भी परमहंसों में किसी किसी को प्राप्त हो सकती है, सबके लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य, आज तो हम 6 या 1 चौपाई को याद कर लेते हैं, कुछ चौपाइयां याद कर लेते हैं और समीक्षा प्रारंभ कर देते हैं कि प्राणनाथ जी छोटे, देवचंद जी बड़े और उनसे भी बड़े श्री कृष्ण जी। हम छोटे बड़े कहने का अधिकार तो हमें संसार के आधार पर नहीं है, हाँ वाणी के आधार पर हम कुछ भी कह सकते हैं। वाणी क्या कहती है? सब थे बड़ी मुझे करी ऐसी करी न कोई। इस तन में पूर्ण स्वरूप में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। एक सुख सुपन के दूजे जागते जो हो, तीन लीला पहली ये चौथी फर्क के ताइन दो। एक सुख सपने का होता है, दूजे जागते जो हो, तीन लीला पहली ये चौथी। चौथी लीला कौन है? श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की। पहली लीला ब्रज की, दूसरी लीला रास की और तीसरी लीला सदगुरु धनिष्ठ देवचंद जी के तन से होने वाले स्वरूप की है। तीन लीला पहली ये चौथी फर्क एता इन दो। इन दोनों में क्या अंतर है कि जागनी लीला में जो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में हो रही है, मैंने कहा ब्रज का स्वरूप भी प्राणनाथ का है, मैं मिहराज को प्राणनाथ नहीं कहता, जो अक्षरातीत का आवेश है वो प्राणनाथ है।
रास की लीला भी प्राणनाथ जी की, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला भी प्राणनाथ जी की, क्योंकि गांगजी भाई से जो वार्ता होती है प्रकटवाणी में चौपाई आती है, तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ कारणो अपनो साथ, माया मिने आई शिष्ट ब्रह्म सो बुलावन आए हैं हम। हम उसको बुलाने के लिए आए। प्रश्न क्या है? हमने प्राणनाथ जी को महाराज बना दिया, झगड़ा यहीं से शुरू हो जाता है। और सुंदर साथ श्रीजी शब्द से बहुत कुछ चिढ़ने लगा है। मुझे आश्चर्य होता है जब सुनने को मिलता है कि वाणी की टीका में भी अब दोष खोजा जाता है। अरे भाई, राजन स्वामी में अवगुण हजारों हो सकते हैं, वाणी में तो कोई दोष नहीं, उस पर श्रीजी साहब नाम क्या लिख दिया गया, तारतम क्या लिख दिया, सुंदर साथ ले जाते हैं फिर लौटा देते हैं, ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। आप देखिए, एक मुसलमान अपने कुरान का कितना सम्मान करता है। एक स्वरूप साहब के, ये गुरु ग्रंथ साहब के कुछ पन्ने फट गए थे तो पूरा पंजाब दंगों की आग में जलने लगा था। आप वाणी का कम से कम इतना अपमान तो न कीजिए कि उस पर श्रीजी लिख देने से आप उसको ले गए रहते हैं तो फिर वापस कर देते हैं कि श्रीजी का स्वरूप हमें नहीं चाहिए। तो ये कम से कम इतना तो सोचिए श्रीजी का अर्थ क्या होता है। यही मैं कहता हूं कि हमने थोड़ी सी लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली, कुछ भागवत के श्लोक याद कर लिए, कुछ चौपाइयां बीतक याद कर ली, कुछ वाणी की चौपाइयां याद कर ली, और हम सारे निर्णय लेने का अधिकार स्वयं ले बैठते हैं कि जो हमने कहा वही अंतिम सत्य है। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाई जी, बड़ी बढ़ाई दई आप थे लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। अक्षरातीत को इस संसार की बुद्धि से कभी भी पहचाना नहीं जा सकता। मैंने कहा क्या ब्रज में किसी ने पहचाना, रास में पहचाना, क्या श्री देवचंद जी ने पूर्ण रूप से पहचाना? तीन बार दर्शन होते हैं फिर भी पहचान नहीं होती। तभी तो कहा आवेश जागो में देखे पूरे सो योग माया की नींद हो। यदि श्री देवचंद जी को पूर्ण पहचान हो गई होती, श्यामा जी की आत्मा की पूर्ण जागनी हो गई होती, तो क्यों कहते हैं कि मेरे तन से जागनी कराओ, इंद्रावती से बाद में कराना? ये जिद क्यों पकड़ ली कि मेरे तन से कराओ? कहीं ना कहीं हंसी हो रही है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो मांगना रहता ही नहीं, मांगेगा कौन? रब्द क्यों होता है? रब्द द्वैत के धरातल पर ही तो हो सकता है। अक्षरातीत प्रियतम है और हम की अर्धांगनी है। सोलीला अद्वैत में यह भाव भी कहीं ना कहीं रब्द का कारण बन जाता है। इस जागनी लीला में महामति जी की आत्मा के अंदर अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। तारतम वाणी का प्रकाश उन्होंने सबके लिए खोल दिया है और इस प्रकाश में हमें निर्णय करना है कि हम कौन हैं और हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत कौन है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको दिया था सूर्य का, अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग शब्द हैं। उसी तरह से इस खुलासा वाणी ने, अभी कल खुलासा ग्रंथ का विमोचन होगा, सुंदर साथ खुलासा की चौपाइयों में डूबेंगे, तो मैं आशा तो ये करता हूं कि जिसने शुद्ध हृदय से खुलासा का अवलोकन किया वो समझ जाएगा कि जागनी किसको कहते हैं, अक्षरातीत की गरिमा क्या है और प्राणनाथ के स्वरूप की महिमा क्या है। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, यदि आप जागृत हैं, जैसे आप सारे बैठे हैं, मैं पूछूं आप मुझे देख रहे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? सचमुच देख रहे हैं? मैं कहूंगा कि आप मुझको नहीं देख रहे हैं, आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, आप माया की आंखों से मेरे शरीर को देख रहे हैं, जिस तन का नाम राजन स्वामी है उसको देख रहे हैं, आप मेरी आत्मा को नहीं देख रहे हैं। उसी तरह से आपने थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण कर प्राणनाथ शब्द सुना, देवचंद्र शब्द सुना, कृष्ण शब्द सुना और तराजू लेकर के बैठ गए कि प्राणनाथ जी देवचंद जी के शिष्य हो गए, श्री कृष्ण अक्षरातीत हो गए और श्री कृष्ण भक्त देवचंद जी हो गए, ये पहचान नहीं है। पहचान करने मुतलक जो हक की गैब खिलवत, अक्षरातीत अपनी पहचान देते हैं। सिंधी में एक चौपाई आती है, हक नजीक सेहरक से आड़ो पटना द्वार। मैं ये पूछना चाहता हूं,
क्या आपने या सारे सुंदर साथ, आपका मतलब जो यहां बैठे सुंदर साथ से केवल नहीं है, जितनी आत्माएं जागृत हो गई पूरे देश में, जितनी हैं और भविष्य में जागृत होने वाली हैं, सबसे मेरा एक ही प्रश्न है, हक नजीक सहरक से अक्षरातीत हमारे